कैसे हो? मेरी मोबाइल खाओगी क्या? ये बहुत शरीफ है, कुछ किसी को कुछ भी नहीं। इतना गरीब बकरा है बेचारा हमारा, माशाल्लाह बहुत गरीब है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से हाजिर हो चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ, और आई नो कि मैं बहुत टाइम के बाद हाजिर हुई हूँ, क्योंकि भाई गर्मी ने बेजार कर दिया था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद एनर्जी मेरी इतनी लो हो गई थी कि मुझ में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी व्लॉग बनाने की। तो आज भी चांद रात से एक दिन पहले मैं आप सबके लिए व्लॉग बना रही हूँ, हिम्मत करके इतनी गर्मी में एसी के आगे बैठ के आप सबके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी ईद शॉपिंग, जो कि मैंने बहुत पहले तैयारी कर दी थी सारी ईद की, वो आप सबके साथ व्लॉग्स शेयर किए हुए हैं। तो आज आप सबको पता चल जाएगा कि मैंने कौन से कपड़े लिए हैं, कौन से शूज़ लिए हैं और कौन सी मैचिंग लिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो इतनी गर्मी बढ़ गई है, इतनी गर्मी बढ़ गई है कि व्लॉगिंग मेरे से नहीं हो पाती, और ऊपर से ये जो मास्क लगा है अब मुझे, तो उसमें तो व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है गर्मियों में स्पेशली। तो इसीलिए मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे कुछ दिन, लेकिन अब इंशाल्लाह रेगुलर आएंगे। कोशिश करूँगी कि आप सबके लिए व्लॉग्स लेकर आती रहूँ, और आप सभी मेरे लिए दुआ करिएगा कि मुझे अब कुछ ना हो, गर्मी ना लगे। हीट स्ट्रोक हो गया था मुझे, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, और काफ़ी दिन लगे हैं मुझे उस फीवर से रिकवर होने में। तो इसीलिए अभी भी बात कर रही हूँ, तो ऐसे सांस मेरी जो है ऊपर नीचे हो रही है, पता नहीं क्यों। तो चलें अभी मैं आपको सबसे पहले अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ, उसके बाद ये व्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखें जी, ये है मेरी सारी ईद की शॉपिंग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारी मैंने सेट करके रख दिए, और अभी मैं हस्बैंड को पकड़ाऊँगी मोबाइल ताकि वो करें रिकॉर्डिंग, और मैं आपको ये सारी दिखाती हूँ शॉपिंग। तो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरे जो हैं ईद के कपड़े वो ब्लैक हैं, और ये सामने ही मेरी जेडवर्ड की ड्रेस पड़ी हुई है वो भी ब्लैक है। तो मैं आपको सारा कुछ डिटेल में दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इन चीज़ों को हटा देती हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको अपना ड्रेस नंबर 1 दिखाती हूँ। ये है जी मेरा मेन ईद का ड्रेस जेडोट का, अच्छी सी प्रिंट है, तो मैंने ज़्यादा इस पर जो है वो नहीं करवाया है कुछ डिज़ाइन वगैरह, सिंपली सिलवाई है मैंने। और ये इस पर मैंने लेस लगवाई है जो कि बहुत प्यारी लग रही है, और इसका ट्राउज़र है वो भी मैंने बहुत अच्छा सा स्टिच करवाया है अपनी मदर इन लॉ से। ये देखिए बहुत प्यारा जो है ट्राउज़र मुझे उन्होंने स्टिच करके दिया है, बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन करी है। ये देखें जी, तो ये है इसका ट्राउज़र, और ये है मेरी ईद की मेन ड्रेस। और अभी देखते हैं जी ये दूसरी शर्ट, ड्रेस नहीं है, मैंने शर्ट ली थी लाइमलाइट से, ये भी मैंने अनस्टिच ली थी, स्टिच करवाई है। तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारी सी स्टिच करवाई है ये भी मैंने। ये इसका गला मैंने ऐसे सिंपल ही रखवाया है जैसे इसमें है, इसमें देखें इसमें भी गला सेम ही है, तो इसका भी गला मैंने ऐसे ही रखवाया है, मेरी मदर इन लॉ ने बहुत ही प्यारा सा स्टिच किया है। तो बहुत ही कमाल की जो है इसकी प्रिंट है, ये आप देखें बहुत ही अच्छा सा इस पर प्रिंट है, ये मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने बस देखी और ले ली थी। और इसके जो है स्लीव्स पर ये ऐसी डिज़ाइन है, और ये पर्स लगे हुए हैं, और इसके दामन पे भी ऐसे पर्स लगे हुए हैं। तो ये है जी ड्रेस नंबर 2, और अभी बारी आती है मेरे फेवरेट ब्रांड
MTJ की। तो आप सबको पता ही होगा कि मैं गई थी गुलिवर मॉल, तो वहाँ से मैंने MTJ से ये शर्ट ली थी जो कि मैंने आपको दिखाई नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे अपनी पसंद से ही ये लेकर दी थी, तो अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो ये मैंने स्टिच कुर्ती ली थी MTJ से, न्यू अराइवल्स से ली थी मैंने। इसकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है, मतलब इसकी प्रिंट डिज़ाइन तो है ही नहीं, फ्रंट इसकी बहुत अच्छी है, कलर भी बहुत अच्छा है और इसकी नेक डिज़ाइन बहुत अच्छी है। ये देखो ड्रेसेस मेरी तीनों हो चुकी हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ सैंडल्स। तो आपने देखा ही होगा कि मेरे तीनों ड्रेसेस में ब्लैक कलर है, तो ये एक खुशा लिया है मैंने ब्लैक कलर का, किसी ना किसी ड्रेस पे पहन लूँगी। और उसके अलावा जी ये स्टाइलों से मैंने एक सैंडल ली है, बहुत सिंपल सी चप्पल टाइप ही सैंडल ली है मैंने, ताकि ईद के बाद मैं कैजुअली पहन सकूँ इसे। बहुत प्यारी खूबसूरत सी ये मुझे इस टाइप की सैंडल्स बहुत प्यारी लगती हैं, ये देखें, और इतनी कंफर्टेबल है पहनने में, इतनी अच्छी है और हर ड्रेस पे मैचिंग हो जाएगी इसकी। तो जब मैं गई थी स्टाइलो पे तो ये मुझे इतनी पसंद आई थी सैंडल, इसमें एक पिंक कलर था और एक ये कलर, ब्लैक कलर मुझे नहीं मिला, वरना मैं ब्लैक ले लेती। लेकिन ये भी अच्छा है, चल जाएगी ब्लैक पे भी और हर जोड़े पे चल जाएगी, वाइट कलर है इसका। तो ये हो गए जी मेरे सैंडल्स। और लाइम लाइट से मैंने ये बॉडी मिस्ट भी लिया था, क्योंकि आजकल बड़े ट्रेंड में है ये बॉडी मिस्ट, तो ये मैंने लाइम लाइट से ले लिया था। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है और ये मुझे जो है बहुत अच्छा लगा, तो ये मैंने ले लिया। तो ये बॉडी मिस्ट भी मैंने लाइम लाइट से ले ली थी। और उसके बाद जी बारी आती है मैचिंग की, तो सबसे पहले हाँ जी ये भी मैंने ले लिए हैं मास्क, क्योंकि जाहिर सी बात है ईद पे आप सबके लिए व्लॉगिंग भी तो करनी है, तो ब्लैक कलर के मैचिंग मैंने मास्क भी ले लिए हैं बहुत ही प्यारे से। और ये रहे जी मेरे मास्क, और ये बहुत प्यारी सी चीज़ जो कि मुझे गिफ्ट मिली थी, मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने ये गिफ्ट करी है उम्रे से, वो लेकर आई है हमारे लिए। ये बहुत ही प्यारी सी जो है वॉच सेट है, ये वॉच के साथ तीन ब्रेसलेट्स भी हैं, और ये बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा ये गिफ्ट। और उम्रे से आई कोई भी चीज़ बहुत अच्छी लगती है वैसे भी, तो ये भी मैं ईद पे इंशाल्लाह पहनूंगी। तो एक ये हो गई, और ये बैंगल्स हैं ब्लैक कलर के, बहुत प्यारे बैंगल्स, ये देखेंगे ये ब्लैक कलर के बहुत ही प्यारे बैंगल्स हैं। और ये हैं जी बहुत ही प्यारे से झुमके, ब्लैक कलर के झुमके, और मेरे हस्बैंड ने मुझे मोबाइल वापस पकड़ा दी, बोला कि वो भी थक चुके हैं, इतने में ही थक गए वो। ये रहे जी झुमके, बहुत ही प्यारे से झुमके हैं ब्लैक कलर के। और ये एक रिंग ब्लैक कलर की, एक ये हो गए। और ये बहुत ही प्यारे से टॉप्स हैं बहुत प्यारे हैं, इंशाल्लाह ईद के दिन में ही पहनूंगी। ये मेरी मदर इन लॉ लेकर आई है मेरे लिए पसंद करके, तो कैसे नहीं अच्छे होते। ये देखिए कितने प्यारे से हैं ये टॉप्स, मुझे इतने प्यारे लगे, बिल्कुल डिसेंट से, सिंपल से, छोटे छोटे, और मुझे ऐसे ही चाहिए थे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, मुझसे बड़े बड़े इयररिंग्स पहने नहीं जाते, तो ये बहुत ही प्यारे से इयररिंग्स हैं। तो इसी के साथ ही मेरी ईद की जो शॉपिंग है वो कंप्लीट होती है। ये हाल कुछ इस तरह का है जो कि अभी मुझे सारा समेटना है।
हाँ जी, सो देख ली आपने मेरी ईद की शॉपिंग, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और इस दफ़ा मैंने ब्लैक 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 कलर के ही कपड़े लिए हैं, सारी शॉपिंग लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी चाहते थे कि मैं ईद पे ब्लैक कलर पहनूं, उनके साथ ट्यूनिंग करूं। झूठ बोल रही हूँ, मैं चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ट्यूनिंग करूं, तो वो भी ब्लैक पहन रहे हैं, तो मैं भी इंशाल्लाह ब्लैक ही पहनूंगी। तो बस कल चांद रात है और ये वीडियो मैं रात के 1 बजे शूट कर रही हूँ, क्योंकि सारा दिन आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो व्लॉगिंग मेरे से नहीं हो पाती है। मुझे गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, गर्मियों में मैं बीमार हो जाती हूँ, मरीज़ लगती हूँ, इसीलिए मैं व्लॉग नहीं करती। तो बस इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कल जो है आप सबके साथ हमेशा की तरह अपनी रूटीन शेयर करूँ, चांद रात की रूटीन। तो फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पर ही स्टॉप करते हैं और इस वीडियो को इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए शब बखैर, आप सब भी आराम कीजिए, मैं भी आराम करती हूँ, सुबह मिलेंगे। 2000 years later. हाँ जी, सो मिले हमारे कुर्बानी के जानवर से, बकरे से, और ये रहा अरीज। अरीज की से बहुत अच्छी अरीज की दोस्ती हो गई है इससे, है ना अरीज? ये है जी हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा बकरा। हाय बकरे, कैसे हो? मेरी मोबाइल खाओगी क्या? ये बहुत शरीफ है, कुछ किसी को कुछ नहीं। इतना गरीब बकरा है बेचारा हमारा, माशाल्लाह बहुत गरीब है, बहुत अच्छा है। तो मैंने अभी सोचा कि आप सबको सबसे पहले अपना बकरा दिखा देती हूँ, और शाम होने ही वाली है और अभी मैं रेडी नहीं हुई, इसीलिए मैं खुद को नहीं दिखा रही आपको। तो ये अरीज खेल रहा था इसके साथ, तो मैंने सोचा कि आप सबको दिखा दूँ। इसे ये खिलाओ ना इसका खाना, खिलाओ इसे। इसकी मेरे साथ भी दोस्ती हो गई है, देखो मेरे पास आ रहा है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। बाहर नहलंदा सिंह खा। वेलकम बैक हो गया जी आप सबका एक बार फिर से, और अभी रात का टाइम है और मैं अभी फ्रेश होके आई हूँ। क्या बताऊँ, इतनी गर्मी हुई है, इतना हेक्टिक दिन गुजरा है आज। एक तो चांद रात है, तैयारी कोई नहीं, ज़ीरो तैयारी है, और उसके अलावा मेहंदी भी नहीं लगी है अभी तक मेरी, मीठा नहीं बनाए और तैयारी नहीं, कपड़े प्रेस नहीं किए हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी इतना हेक्टिक दिन गुजरा है। एसी चल रहा है लेकिन फिर भी मैं ये यूज़ कर रही हूँ, इतनी गर्मी है, मैं क्या बताऊँ। पंखा नहीं चला रही क्योंकि पंखे से इतनी गर्म हवा आ रही है कि बस क्या ही बताऊँ मैं, इतनी आज गर्मी है। मुझे कल की टेंशन है कि कैसे तैयारी होगी, कैसे मेकअप करेंगे, कैसे नए कपड़े पहनेंगे, और नए कपड़ों में तो वैसे भी हालत हो जाती है। अल्लाह करे कि दिन कुछ अच्छा गुजरे। कल का हद का खाना बना के मैं अभी फ्रेश होके आ गई हूँ और अभी शुरू होगी असल चांद रात हमारी, और बस अभी कपड़े वगैरह करूँगी मैं प्रेस, उसके बाद मेहंदी लगवाएंगे, मीठा बनाएंगे और देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है, तो साथ रहिएगा। हेलो जी, इट्स मी विथ मेसी हेयर्स, और ये देखें मेरी मेहंदी लग चुकी है बहुत प्यारी सी, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। ये देखें जी, बड़ी प्यारी सी मेहंदी लग चुकी है मेरी, और मैंने इस बार भी बिल्कुल सिंपली मेहंदी रखवाई है, और मेरे दूसरे हाथ पे भी मेहंदी लग चुकी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही जी मेरे दूसरे हाथ पे मेहंदी, वो बहुत प्यारी आई है और कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा आया है, और इस पे भी बड़ी सिंपल सी ही मेहंदी है, एस्थेटिक। और ये जी मेरी मेहंदी हो चुकी है डन। तो मेहंदी लगाते वक्त मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सारे हम साथ में बैठे हुए थे और मेहंदी लग रही थी, डिज़ाइन मेरे मोबाइल में ही थी, तो मुझे जो है व्लॉग करने का टाइम नहीं मिला। मैं आ चुकी हूँ किचन में और अभी बन रही है जी खीर, तो इस बार मैं सिंपल खीर बना रही हूँ। यकीन करें किचन में इतनी गर्मी है, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा किचन में, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो बस जल्दी से खीर बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि और क्या करते हैं। उबल चुका है तो अभी मैं इसमें ये दोनों पैकेट और
शोर आपको आ रहा होगा, मैंने पंखा चलाया हुआ है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मेरा पंखा चल रहा है। इतनी गर्मी है किचन में, मैंने पंखा चला दिया है। तो हमने खीर मिक्स अपनी इसमें ऐड कर दी है और इसे अभी मिक्स करते रहना है, फिर हमारी खीर पकेगी बहुत टाइम तक, क्योंकि इस खीर को हल्की आंच पे हमें पकाना होता है बहुत देर, क्योंकि ये तभी अच्छी से थिक सी जो है हमारी खीर बनती है। ये देखें जी, एक मज़ेदार चीज़, किचन में भी मुझे मेहंदी लग रही है, वहाँ पे मेरी खीर बन रही है और यहाँ पे कफ मुझे मेहंदी लगा रही है किचन में खड़े होके। और ये जी, मेरे हस्बैंड का नाम मेरे हाथ पे लिखा है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। तो अगेन आई एम हेयर विथ माई मेसी हेयर्स एंड दिस मेहंदी। तो ये मेरे हस्बैंड का नाम जो है वो लिखा हुआ है, आपको सही से नहीं दिख रहा है, इस पर जुनैद लिखा हुआ है। तो मेरे हस्बैंड का नाम है जुनैद, तो मैंने वो यहाँ पे लिखवाया है ऐसे। और पता नहीं क्यों हमारा बकरा इतना मैं कर रहा है, तो चल के उसे भी देखते हैं। और देखें, आपको आवाज़ आई मैं। और अभी मैं ये डे फ्रेश जो है वो इन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि एनर्जी इतनी वेस्ट हुई है आज, पता नहीं क्यों। चांद रात के दिन कुछ काम ना भी करो ना, तो भी इतनी थकावट हो जाती है। तो मेहंदी उतार के आ चुकी हूँ, माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया है मेहंदी का। और अभी चल के देखते हैं कि हमारे बकरी को क्या हुआ है, क्यों रंगा कर रहा है। अभी तो मज़े से सो रही, कैसे उठ गए मुझे देख के। क्या हुआ है भाई, तुम्हें क्यों रंगा कर रही हो इतनी, क्या चाहिए? हाँ, तो ये मज़े से बैठा हुआ है, ये देखें इसकी आइस कितनी चमक रही है, माशाल्लाह से प्यारा तो है हमारा बकरा। तभी यहाँ पे बहुत अंधेरा है और बस अभी मैं जा रही हूँ अंदर और वीडियो का एंड करते हैं। तो बकरे को देख के मैं आ चुकी हूँ और बस इसी के साथ ही ये वीडियो एंड करेंगे, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो गया है। 3:30 बज रहे हैं और मैं अभी तक जाग रही हूँ और सुबह जल्दी भी उठना है जी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत टाइम के बाद मेरा व्लॉग आया है, तो ऐसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ भाई, कि उन तक भी मेरा चैनल पहुँचे और वो भी मेरे वीडियोस देखें और उन्हें पसंद करें। और इंशाल्लाह आगे चल के कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे व्लॉग आएँ। और बस जी, इसी के साथ ही ये वीडियो एंड होती है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।